नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों, अगर आप लोग का अकाउंट HDFC बैंक में है और आपने अपने अकाउंट में अभी तक नॉमिनी को ऐड नहीं किया हुआ है, या फिर आपने नॉमिनी को ऐड किया हुआ था बट आपने उसको चेंज करना है, यानी कि उस नॉमिनी को हटाकर किसी दूसरे नॉमिनी को अभी अपडेट करना है, तो कैसे अपडेट करेंगे, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, चाहे फर्स्ट टाइम नॉमिनी ऐड करना हो या फिर चेंज करना हो। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, HDFC बैंक में नॉमिनी को ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा नेट बैंकिंग के थ्रू, दूसरा ब्रांच विजिट करके। तो इस समय कोरोना वक्त काल चल रहा है, तो यहाँ पे ब्रांच विजिट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो यहाँ नॉमिनी आज की वीडियो में आप लोग घर बैठे कैसे ऑनलाइन करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना। अगर आप लोग नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हो HDFC बैंक का, तो इसका फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्ट्रेशन करें इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर देखकर आप लोग नेट बैंकिंग अपना स्टार्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना यूजर आईडी फिलअप करना है, इसके बाद IPIN जो आपने क्रिएट करा है वो फिलअप करना है, और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करके आप लोग को लॉगिन कर जाना है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मैंने अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आप लोग भी लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोग को सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट का, तो इसी रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को नॉमिनी का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेना पूरा, जनरेट MMID, इसके बाद फिर मॉडिफाई, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है व्यू अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स। ध्यान से देख लीजिए, व्यू अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स, तो इसी ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है व्यू अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स फॉर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो पहले ऑप्शन पे ये बाय डिफॉल्ट है, टिक है, तो इसको आप लोग को एज इट इज रहने देना है। बट अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट और माई पेंशन फंड के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोग को सेकेंड या फिर थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो मैं सेविंग अकाउंट के लिए ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही ऐसे चेक इट रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आप लोग को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते आपके अकाउंट से जुड़ी सारी डिटेल्स यहां पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और नॉमिनी। यहां पे देखिए रजिस्टर्ड है, यानी कि नॉमिनी पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो इसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो या फिर फर्स्ट टाइम ऐड करना चाहते हो, दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला, घबराइए नहीं। यहाँ से जो एक्शन लिखा गया है यहाँ पे आप देखिए व्यू एंड मॉडिफाइड नॉमिनी, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, मान लीजिए अगर आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पे व्यू एंड मॉडिफाई नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए नॉमिनी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आप लोग का रजिस्टर्ड नहीं लिखा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा। तो उसको आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग को भी करना है। तो यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई नॉमिनी पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द नॉमिनी, यानी कि यहाँ पर नॉमिनी का मेरा नाम लिखा गया, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप इत्यादि सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है सिटी। तो इसको आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई का देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई का, यानी कि यहीं से आप लोग चेंज करना चाहते हो, तो इसे पे आप लोग को क्लिक कर देना है मॉडिफाई के ऑप्शन पे। तो इसके बाद आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए ऐड एंड मॉडिफाइड नॉमिनेशन डिटेल्स फॉर सेविंग एंड करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर के बाद नॉमिनी का नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग नॉमिनी का नाम फिर से चेंज कर सकते हो। देखिए ये वाला नॉमिनी का नाम आप चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी यहीं से चेंज कर सकते हो, ये वाला डेट ऑफ बर्थ हटा के दूसरा डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, रिलेशनशिप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी है फादर, ग्रैंड फादर, हस्बैंड, वाइफ, आंट, जो भी आप लोग को सेलेक्ट करना वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसे एड्रेस पूरा आप लोग को इसी तरीके से फिलअप करना, सारा डिटेल्स जो दिया हुआ है उसको आप लोग पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप लोग को कंटिन्यू कर देना है, तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू कर देंगे सब कुछ फिलअप करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक न्यू पेज आपके सामने आएगा वेरीफाई करने के लिए, यानी कि एक बार आप लोग पूरा चेक कर लेंगे कि जो डिटेल्स आपने फिलअप किया वो सही फिलअप किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेरीफाई एंड कन्फर्म द नॉमिनी डिटेल्स, तो एक बार पूरा आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो ये टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स बना हुआ है इसको आप लोग चेक कर लेंगे, यानी कि इस पर टिक कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को एग्री करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक चीज़ देखिए, प्लीज़ व्यू द नॉमिनेशन फॉर्म, ये ब्लू कलर में लिखा आ रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करके एक बार देख लेना है नॉमिनेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देखिए
जो नॉमिने यही नॉमिनेशन फॉर्म जब आप लोग ब्रांच जाकर अपना नॉमिनी के लिए फिलअप करोगे फॉर्म, तो यही नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ पे मिलता है, तो इसी को आपको भरना होता है। तो यही नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे है, फॉर्म DA3, तो इसको एक बार पूरा देख लेना। देखने के बाद आप लोग को बैक चले आना है, बैक करने के बाद आप लोग को कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आप देखिए, कन्फर्म करते ही थैंक यू फॉर द बैंकिंग विद द नॉमिनी डिटेल्स आर अपडेटेड इन योर सिस्टम। इस तरीके से आप लोग अपना नॉमिनी को अपडेट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तीनों ही तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है, चाहे आपको ऐड करना है न्यू नॉमिनी या फिर वो नॉमिनी को आप लोग को चेंज करना हो, मॉडिफाई करना, सब कुछ आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। बस जहाँ पे जहाँ अभी मेरा आपने देखा कि पहले से ऐड था वहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा आ रहा था, उसी तरीके से आपका अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा यानी कि नॉमिनी ऐड नहीं रही रहेगा तो वहां पे फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग को पूरा नॉमिनी का डिटेल्स जैसे मैंने फिलअप किया उसी तरीके से फिलअप कर देना है। दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को कंफर्म कर देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग का ज्वाइंट अकाउंट है यानी कि एक से ज्यादा लोगों का आपके साथ अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हो, तो यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इनकेस ऑफ अकाउंट विद मल्टीपल होल्डर प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट द नॉमिनेशन फॉर्म, गेट इट साइन बाई द ऑल होल्डर्स एंड सबमिट इट एट द नियरेस्ट ब्रांच। यानी कि जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है, वो जो नॉमिनी अभी मैंने फॉर्म को दिखाया था आप लोग को, फॉर्म DA31, उसको आप लोग को डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद जितने भी अकाउंट होल्डर हैं यानी कि जितने लोगों के साथ आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन हुआ है, उन सभी के सिग्नेचर करके उसको आप लोग को ब्रांच में जमा करना होगा। तो ये अगर ज्वाइंट अकाउंट के लिए, सिंगल अकाउंट के लिए तो वैसे ही आप लोग को कर देना है ऑनलाइन, सब कुछ आप लोग को ऑनलाइन करना है, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट के लिए एक बार सिंगल विजिट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।